हेलो साथियों, जय हिंद, नमस्कार। मैं नीतीश चंद्रा आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। कल बीपीएससी ने एक नोटिस जारी किया था और उस नोटिस में यह कहा गया था कि 24 नवंबर यानी आज से लेकर के 5 दिसंबर तक जितने भी 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के परीक्षार्थी हैं वो अपना रेस्पॉन्स ओएमआर अपलोड कर दिया जाएगा वेबसाइट पर। वहाँ से आप डाउनलोड करके मिला सकते हैं अपने प्रश्नों का उत्तर कि आपने क्या सही आंसर लगाया था और सही उत्तर क्या है, आपके कुल कितने मार्क्स आ रहे हैं। वैसे बीपीएससी ने पहले ही आंसर की और दो बार आंसर की, प्रोविजनल और फाइनल आंसर की जारी करके तथा उसके बाद रिजल्ट तथा मार्कशीट जारी करके अपनी ओर से स्पष्टीकरण दे दिया है। परंतु फिर भी अभी जो वर्तमान परिवेश है इसमें आप देख रहे होंगे कि हंगामे की स्थिति बनी हुई है। रिजल्ट को परीक्षण करने की आवश्यकता बताई जा रही है और ये पूरी तरह से अब तय है कि रिजल्ट कुछ ना कुछ और दिया जाएगा, एक्स्ट्रा रिजल्ट 11,000 के अलावा, क्योंकि बीपीएससी पर बहुत तरह के आरोप लग रहे हैं और वह आरोप कहीं ना कहीं सिद्ध होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए यह अब तय है कि जल्दी आपको अगले 1 से 2 दिनों में नोटिस आ जाएगी इसको लेकर के कि बीपीएससी की कितने और छात्रों का रिजल्ट होगा, कितने क्वेश्चंस फिर से रिव्यू में हैं। और जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि 4 प्रश्नों का उत्तर आपको बदला जा सकता है। साइंस में प्लेटिनम वाला जो आंसर था वो बदला जा सकता है। इसके अलावा आपका एक और प्रश्न था साइंस का ही, जिसमें कि आपको आंसर बदला गया था फाइनल आंसर की में, उसका भी आंसर यानी साइंस में 2 प्रश्न सुधार होंगे और 2 प्रश्न अन्य सेक्शन में सुधार होने हैं, यानी 4 प्रश्नों का सुधार होगा और 1 से 2 नंबर डिक्रीज करके 1,000-1,500 लड़कों के आसपास और रिजल्ट लिया जा सकता है। कुछ ज़्यादा भी हो सकता है, कुछ कम भी हो सकता है, लेकिन रिजल्ट और एक्स्ट्रा आएगा ये बात तय है। जब और एक्स्ट्रा रिजल्ट आएगा तो निश्चित तौर पर बीपीएससी की मेंस की परीक्षा जो 29 दिसंबर को थी वह अब नहीं हो पाएगी। यह भी सूत्रों के हवाले से ही जानकारी मिली है कि जनवरी के अंतिम सप्ताह में यानी 20 जनवरी के बाद मेंस की परीक्षा 67वीं की होगी और आपकी 68वीं की प्री परीक्षा जो 12 फरवरी को निर्धारित थी वह भी अब टलकर मार्च में या अप्रैल में, संभवतः मार्च में ही हो जाएगी। तो 68वीं बीपीएससी की परीक्षा अब मार्च में हो सकती है, 67वीं मेंस की परीक्षा अब जनवरी में होगी, ये लगभग तय है जो हमें जानकारी मिली है। और 4 प्रश्नों का, जो 8 प्रश्न के आंसर बदले गए थे, 4 प्रश्नों का आंसर फिर से बदला जाएगा आयोग के द्वारा और 1,500 या 2,000 के आसपास और एक्स्ट्रा रिजल्ट बीपीएससी के द्वारा जारी किया जाएगा। और खुशी की बात यह है कि आज मार्कशीट अपलोड कर दिया जाएगा, वहां से आप मिलान कर सकते हैं और पारदर्शिता दिखाने का बीपीएससी का ये शानदार पहल है और ऐसा पहल ये पहली बार किया गया है। इसके लिए हम माननीय चेयरमैन श्री अतुल प्रसाद जी का स्वागत योग्य कदम को की सराहना करते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं। ऐसा ही बिहार में हर परीक्षा में होना चाहिए, खास करके बीपीएसएससी दारोगा की परीक्षा में भी ऐसी पहल हो, इसके लिए भी छात्रों को आंदोलन करना चाहिए या जैसे भी हो ये मांग हमारी पूरी होनी चाहिए जो छात्रों की मांग रही है। तो और कोई अपडेट होगा इस प्रकार का तो हम फिर आपसे रूबरू होंगे। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।